फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इन कलरों की ओर से बहुत ही सुंदर एक बेबी स्वेटर के लिए डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सुंदर सा इन तीन कलरों से बेबी स्वेटर के लिए डिज़ाइन बनाना सीखते हैं। ये इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 16 के मल्टीपल में फंदे डाले हैं। एक्स्ट्रा मैंने कोई भी फंदा नहीं डाला। टोटल मैंने यहाँ पर 48 यानी कि 48 फंदे डाले हैं। 48 फंदे यहाँ पर सिंपल डाल के मैंने, और 4 सिलाई मैंने सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी बॉर्डर के तौर पे मैंने 4 सिलाई बनाई है। आप कोई भी बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ से चलिए पहली सिलाई सीधी सिलाई। पहली सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे हम ये व्हाइट कलर से सीधे बनाएंगे। अब हमने ये सेकंड कलर यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखा, तो हमने यहाँ पर सेकंड कलर लगा के अब हमें क्या करना है ध्यान दीजिए। दो फंदे हम यहाँ पर ग्रीन कलर के बनाएंगे, दो फंदे ग्रीन कलर के, फिर एक बीच में यहाँ पर वाइट कलर का, फिर से यहाँ पर हम दो फंदे ग्रीन कलर के। अब आगे हमें क्या करना है, फ्लावर को गैप देने के लिए यहाँ पर हम 11 फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस और एक 11 फंदे ये हमने वाइट कलर के फ्लावर को गैप देने के लिए बनाए। अब फिर से जैसे यहाँ पर दो फंदे हम यहाँ पर ग्रीन कलर के बनाएंगे। एक, दो, एक यहाँ बीच में वाइट कलर से बनाएंगे, फिर से दो फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे इस तरह से। फिर से जैसे यहाँ पर गैप देने के लिए 11 फंदे हमने ध्यान दीजिए वाइट कलर के सीधे सीधे बनाने, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फंदे फिर से फ्लावर को गैप देने के लिए हमने वाइट कलर के बनाए। अब फिर से हम यहाँ पर दो फंदे ग्रीन कलर के बनाएंगे, तो दो, एक बीच में वाइट कलर से, अब दो, फिर हम ये ग्रीन कलर के फंदे बनाएंगे। अब बचे हैं हमारे ये लास्ट के फंदे, तो इनको हम यहाँ पर वाइट कलर से ही बनाएंगे, तो दो, तीन, ये हमने यहाँ पर वाइट कलर के फंदे बना लिए। ये हमारी ध्यान दीजिए पहली सिलाई सीधी साइड से बन के कंप्लीट है। अब आ गए हैं डिजाइन की दूसरी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। दूसरी सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए मेरे 6 फंदे वाइट हैं, तो अब की बार जो ये दो ग्रीन है तो यहाँ पर भी 3 ग्रीन करेंगे और इस साइड से भी एक फंदा लेके 3 ग्रीन करेंगे। बीच में बचेंगे मेरे 9 फंदे, 9 को वाइट कलर से ही बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए। अब की बार यहाँ पर जो मेरे 6 फंदे थे इनमें से हमने 1, 2, 3, 4, 5 पांच फंदे वाइट कलर के। अब की बार जो ग्रीन के पास में ही एक फंदा, ये हमारे यहाँ पर 3 फंदे ग्रीन कलर के बनेंगे और जो बीच में वाइट है इसको हम यहाँ पर वाइट को वाइट ही रहने देंगे। अब दो ग्रीन है तो एक ही साइड से हम ग्रीन बनाएंगे, तो 1, 2 और 3 तीन हमने ये ग्रीन कलर के लिए है, यानी कि अब की बार एक इधर से वाइट वाला हमने ग्रीन किया है, एक इधर से, तीन तीन फंदे वाइट कलर ग्रीन कलर के बने हैं, बीच में हमारे 9 फंदे, तो ये हमारे बनेंगे बीच वाले फंदे ध्यान दीजिए। पहले हमारे 11 फंदे गैप के थे, अब की बार ध्यान दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
नौ फंदे ये बीच में गैप के अब की बार हमारे वाइट कलर से हैं। अब फिर से हम तीन फंदे, एक ये वाइट वाला ग्रीन करेंगे और दो ये ग्रीन वाले हैं तो इनको ही ग्रीन रखेंगे। तीन ग्रीन के बीच में एक हमारा ये वाइट कलर से, तीन फिर से आगे दो ग्रीन है ये ग्रीन, और एक इधर से हम ये वाइट वाला भी ग्रीन बनाएंगे। आगे बीच में फिर से गैप के लिए नौ फंदे हम ये वाइट रखेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, नौ फंदे फिर से वाइट गैप के। अब फिर से यहाँ पर एक वाइट दो ग्रीन, यानी कि तीन फंदे हम फिर से ग्रीन कलर के ही बनाएंगे, एक दो तीन, बीच में ये वाइट है तो इसको वाइट ही रहने देंगे। फिर से दो ये ग्रीन, एक इधर से वाइट, तीन फिर से हम यहाँ पर ग्रीन कलर के बनाएंगे, तो ये तीन। लास्ट में बचे हैं चार फंदे, तो इनको हमने वाइट कलर से ही बुन लेना, एक दो तीन, लास्ट के फंदे को सीधा चार। तो ये हमने अपनी दूसरी सिलाई को उल्टी साइड से बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की तीसरी सिलाई और सीधी सिलाई। तो दूसरी सिलाई में ध्यान दीजिए, दो ग्रीन के हैं बीच में एक वाइट का है, सॉरी तीन ग्रीन के हैं बीच में एक वाइट का है, तीन ग्रीन के हैं, बीच में गैप के ये नौ फंदे हमारे वाइट हैं। सिलाई को किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए, अब की बार ये तीन फंदे तो एक इधर से वाइट का लेंगे, चार फंदे ये ग्रीन कलर के, बीच में एक वाइट का, फिर तीन ये ग्रीन के, एक इधर से वाइट वाले को ग्रीन करेंगे, चार बीच में, सात फंदे हमारे गैप के आएंगे। तो तीसरी सिलाई में ध्यान दीजिए किस तरह से बनाएंगे, पहले फंदे को ऐसे उतारेंगे, अब तीन फंदे यहाँ पर हम वाइट कलर से ये और बनाएंगे, दो और, यानी कि टोटल तीन फंदे ये वाइट कलर से बनेंगे, दो तीन, तीन फंदे वाइट कलर से, अब की बार ये वाइट वाला ग्रीन करेंगे, तो एक दो तीन चार, बीच वाला ये वाइट फंदा है तो इसे वाइट ही रखेंगे, तो बीच में एक वाइट का, तीन फंदे हैं एक इधर से लेंगे, चार यहाँ पर हम ग्रीन कलर के ही बनाएंगे, तो एक दो तीन और चार, बीच में हम सात फंदे गैप वाले अब की बार वाइट के आएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे बीच में ये गैप के वाइट कलर से बनाए। अब फिर से यहाँ पर एक ये वाइट का, इसको ग्रीन बनाएंगे, चार फंदे यानी कि ग्रीन कलर से ही बनाएंगे, तो एक दो तीन चार, बीच का ये वाइट है तो इसे हमने वाइट कलर से ही सीधा बनाना, चार फंदे फिर से सीधे बनाएंगे और ग्रीन कलर से बनाएंगे, तो एक दो तीन और एक ये वाइट वाला भी ग्रीन कलर से ही बनाना। अब बीच में फिर से सात फंदे हम वाइट कलर से, एक दो तीन चार पाँच छ सात, फिर से तीन फंदे ये एक वाइट का, यानी कि चार फंदे हम ग्रीन कलर से ही बनाएंगे, एक दो तीन चार, बीच में वाइट है तो इसको वाइट कलर से ही सीधा बनाएं, तीन फंदे ग्रीन के, एक इधर से ये ग्रीन का, चार फंदे फिर से हमारे ग्रीन कलर के आएंगे, एक दो तीन और एक चार, लास्ट के बचे हैं चार फंदे, इनको हमने ऐसे ही वाइट कलर से सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेना। तो ये हमारी यहाँ पर ध्यान दीजिए तीसरी सिलाई सीधी साइड से बन के कंप्लीट है। फोर्थ सिलाई को उल्टी साइड से किस तरह से बनाएंगे, इस सिलाई में आप ध्यान दीजिए, जो ये चार फंदे हमारे, इनको हमने वाइट कलर से ही बुनना है, एक दो तीन चार,
चार फंदे व्हाइट कलर से। अब ये चार फंदे व्हाइट कलर से, इनमें से हमने तीन ग्रीन कलर से हैं, तो इनमें से हमने यहाँ पर तीन फंदे ग्रीन कलर से बनाने हैं, एक दो तीन। अब हमारा ये ग्रीन फंदा है, इसको तो हमने यहाँ पर व्हाइट कलर से बुनना है, और जो ये बीच में व्हाइट वाला है इसको हमने ग्रीन कलर से बनाना है। फिर जो ये ग्रीन कलर का फंदा है, फिर से चार फंदे हैं, इनमें से ग्रीन कलर का फंदा जो ये हमारा व्हाइट कलर से बनाया जाएगा, और जो ये तीन फंदे बचे हैं इनको हमने ग्रीन कलर से ही बुनना है। तो एक दो तीन, बीच के सात फंदे गैप किए हैं, तो इन्हें हमने व्हाइट कलर से ही बनाना है। तो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे गैप के हमने व्हाइट कलर से बनाए। फिर से आ गए चार फंदे ग्रीन के, तो इस फंदे को छोड़ के इधर के तीन फंदे हम ये ग्रीन कलर से बनाएंगे, दो तीन, तीन फंदे ग्रीन कलर के। जो ये एक फंदा बचा है इसको हमने व्हाइट कलर से बनाना है। अब जो ये व्हाइट कलर वाला है ये ग्रीन कलर से बनाएंगे, और जो ये ग्रीन कलर वाला आ गया है, ये चार फंदे इनमें से एक फंदा ये व्हाइट कलर से ही बनाएंगे, यानी कि ये हमारे तीन फंदे ग्रीन से बनेंगे, फिर एक व्हाइट, फिर एक ग्रीन, फिर एक व्हाइट, फिर ये लास्ट के तीन फंदे ही ये ग्रीन कलर से ही बनाए जाएंगे। ये हमारी चौथी सिलाई है और उल्टी सिलाई है। अब बीच के सात फंदे हैं, इनको हमने व्हाइट कलर से ही गैप के लिए रखना है, और इस सिलाई को उल्टी साइड से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, यानी कि सभी सिलाइयाँ उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बनाई जाएंगी और सीधी साइड से सीधी सीधी बनाई जाएंगी। अब फिर से ग्रीन कलर के फंदे आए हैं चार, तो इनमें से हमने तीन फंदों को ग्रीन कलर से ही बनाना, तो एक दो तीन, ये ग्रीन कलर का फंदा है इसको हमने व्हाइट कलर से बनाना है, ये व्हाइट वाला बीच का फंदा है इसको हमने ग्रीन कलर से, फिर ये ग्रीन कलर का है तो इसको व्हाइट कलर से, फिर बचे हैं तीन फंदे ग्रीन कलर से, तो इनको हमने ग्रीन कलर से ही बनाना है। अब लास्ट के बचे हैं तीन फंदे व्हाइट कलर से, इनको हमने व्हाइट कलर से ही उल्टा उल्टा बनाना। तो ये हमने अपनी फोर्थ सिलाई को उल्टी साइड से बना के कंप्लीट किया है। चार सिलाइयों में डिजाइन इस तरह से बनता हुआ दिखाई देने लगा है। ये डिजाइन की पांचवी सिलाई और सीधी सिलाई, सिलाई को किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए। अब की बार हमने क्या करना है, ये तीन फंदे व्हाइट के हैं तो ये दो व्हाइट के आएंगे, और ये तीन ये और एक ये व्हाइट का आएगा, चार फंदे ग्रीन हो जाएंगे, व्हाइट पर व्हाइट, ग्रीन पर ग्रीन, व्हाइट पर व्हाइट, फिर तीन ग्रीन के और एक इधर से हम ग्रीन करेंगे, तो चार ग्रीन के, बीच में हमारे सात फंदे थे तो पांच फंदे हमारे गैप के आएंगे। तो ध्यान दीजिए पांचवी सिलाई और सीधी सिलाई बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही सुंदर डिजाइन है। तो एक और यहाँ पर ये दो, दो फंदे व्हाइट के। अब की बार जो ये व्हाइट वाला है यहाँ पर हमने ग्रीन लगाना, तो एक दो तीन चार, चार ग्रीन के। फिर जो ये व्हाइट है तो इसे व्हाइट ही रहने देंगे, ग्रीन है तो बीच में ये ग्रीन आएगा, फिर से व्हाइट आ गया है तो ये व्हाइट ही आएगा। फिर जो ये तीन फंदे हैं ग्रीन के एक इधर से लेंगे, ये चार फंदे हम यहाँ पर ग्रीन कलर से बनाएंगे, तो एक दो तीन और ये चार, चार फंदे ये ग्रीन कलर के बनाए गए। बीच में हमारे ये सात फंदे, छह फंदे बचे हैं, तो इनमें से पांच फंदे हम बनाएंगे व्हाइट कलर से, तो एक दो तीन चार और पांच, पांच फंदे बीच में गैप के व्हाइट कलर से, फिर ये यहाँ पर हमारे ये चार फंदे ग्रीन कलर से बनाए जाएंगे, तो एक दो तीन चार, बीच में तीन फंदे हैं जो जिस कलर का है उसी कलर से बनाएंगे। व्हाइट फंदा है व्हाइट कलर से, ग्रीन फंदा आ गया है ग्रीन कलर से, व्हाइट कलर का फंदा है तो व्हाइट कलर से ही बनाएंगे।
अब जो ये तीन फंदे एक इधर से लेंगे, चार फंदे अब आएंगे ये ग्रीन कलर से। तो एक दो तीन चार, चार फंदे हमारे ग्रीन कलर के। अब बीच में बनाएंगे गैप के हम पांच फंदे। तो एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे ही हमारे वाइट कलर के है। अब ये एक वाइट और तीन ही, यानी कि चार फंदे हमारे आएंगे ग्रीन कलर से। एक दो तीन चार, बीच के ये तीन फंदे हैं, जो जिस तीन फंदे ये ग्रीन के छोड़ के बीच में जो जिस कलर का है उसी कलर से बनाएंगे। वाइट वाले फंदे को वाइट कलर से और ग्रीन वाले फंदे को ग्रीन कलर से, फिर वाइट वाले फंदे को वाइट कलर से। अब तीन फंदे ग्रीन के एक इधर से वाइट लेंगे, तो चार फंदे ये हमारे आएंगे यहाँ पर ग्रीन कलर से। एक दो तीन और ये चार, लास्ट के बचे हैं तीन फंदे वाइट कलर वाले, तो इनको हमने वाइट कलर से ही बुन लेना है। ये हमने अपनी यहाँ पर ध्यान दीजिए पांचवी सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गए हैं डिजाइन की छठी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। डिजाइन की छठी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ, छठी सिलाई को ध्यान दीजिए किस तरह से बनाएंगे। छठी सिलाई है और उल्टी सिलाई। छठी सिलाई में हम ये हमारे यहाँ पर तीन फंदे वाइट है, तो इनको हमने वाइट कलर से ही बनाना है। दो तीन, अब जो ये चार फंदे ग्रीन के हैं, तो इनमें से हमने तीन फंदे ग्रीन कलर से बुनना है। एक दो तीन, अब जो ये ग्रीन कलर वाला फंदा है इसको हमने वाइट करना, यानी कि दो फंदे यहाँ पर हमारे वाइट कलर से ही बनाए जाएंगे। तो एक दो, बीच में ग्रीन है तो ग्रीन कलर से ही, फिर दो ये एक वाइट एक ग्रीन, इन दोनों को हमने वाइट कलर से बुनना है। दो वाइट, अब बचे हैं तीन फंदे, इन्हें हमने ग्रीन कलर से बनाना है। छठी सिलाई उल्टी साइड है, यानी कि ध्यान दीजिए तीन बीच में ग्रीन के आएंगे, दो वाइट के एक ग्रीन का, दो वाइट के तीन ग्रीन का। बीच में बचे हैं पांच फंदे गैप के, तो इन्हें हमने वाइट कलर से ही ऐसे उल्टा उल्टा बनाना है। दो तीन चार और पांच, पांच फंदे ये हमने गैप के उल्टे वाइट कलर से बनाए। चार फंदे आए हैं ग्रीन कलर के, इनमें से तीन फंदे ये हमने ग्रीन कलर से ही बनाने। एक दो तीन, तीन ग्रीन के और ये ग्रीन वाला वाइट, यानी कि दो वाइट से बीच में ये ग्रीन वाला है, इसको बनाएंगे ग्रीन कलर से। अब दो फंदे यहाँ पर आएंगे ग्रीन कलर से, सॉरी वाइट कलर से, दो वाइट के और बचे हैं तीन फंदे, ये हमने यहाँ पर तीन फंदे ग्रीन कलर से बनाने। बीच के हैं गैप के हमारे ये वाइट कलर वाले फंदे पांच। एक दो तीन चार, पांच फंदे ये उल्टे हमने वाइट कलर से बनाने। फिर आ गए हैं चार फंदे, इनमें से ये तीन फंदे हम ग्रीन कलर के ही बनाने हैं। तो एक दो तीन, अब एक ये ग्रीन एक ये वाइट, यानी कि दो हमारे आएंगे वाइट कलर से। एक दो, बीच में एक हमारा ग्रीन आएगा, फिर से दो आएंगे वाइट कलर से, एक ये वाइट और एक ग्रीन को भी वाइट बनाना। बचे हैं तीन ग्रीन, इनको हमने तीनों फंदों को ग्रीन कलर से ही बनाना है। अब लास्ट के बचे हैं दो फंदे, इनको हमने वाइट कलर से ही बनाना। ये हमने यहाँ पर अपनी छठी सिलाई को उल्टी साइड से बना के कंप्लीट किया है। छह सिलाइयों में डिजाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ आया है। डिजाइन की सातवीं सिलाई और सीधी सिलाई, सातवीं सिलाई को किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए। सिलाई हमने किस तरह से बनानी है ध्यान दीजिए इस सिलाई पे, बिल्कुल आसान सिलाई। पहले फंदे एक ये व्हाइट कलर से हमने उतारी है या बनाई है वो आपके ऊपर, आपकी मर्जी है। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पर एक वाइट है और दो इधर के, यानी कि एक वाइट और ये यहाँ पर तीन ग्रीन, एक दो तीन।
अब ये बचे हैं दो व्हाइट एक ग्रीन, इनको हमने बनाना है तीन व्हाइट, यानी कि एक ग्रीन वाला भी व्हाइट आएगा और दो व्हाइट ये पहले से ऑलरेडी है। फिर बीच में ये ग्रीन वाला है तो इसे हमने ग्रीन कलर से ही बनाना। अब दो व्हाइट है, एक इधर से व्हाइट करेंगे, तीन व्हाइट कलर से, एक दो और एक ये ग्रीन वाला भी व्हाइट बनाएंगे। अब दो ये एक इधर से, तीन हम बनाएंगे ग्रीन कलर से, तो एक दो तीन, बीच में फिर से तीन व्हाइट कलर के आएंगे, एक दो तीन, अब फिर से तीन ग्रीन, ये व्हाइट वाला भी ग्रीन करना है और दो ये ग्रीन है इनको भी ग्रीन बनाना है। अब तीन फिर से, एक ग्रीन वाला दो ये, यानी कि तीन व्हाइट कलर से, एक दो तीन, बीच का ये ग्रीन है तो इन्हें ग्रीन कलर से, फिर से दो ये व्हाइट है एक इधर से, तीन व्हाइट, एक दो तीन, फिर से दो ये एक इधर से, तीन ग्रीन, एक दो तीन, बीच के गैप के ही ये वाले फंदे, इनमें से तीन व्हाइट, तो एक दो तीन, अब फिर से एक ये व्हाइट है दो ग्रीन है तीनों को ग्रीन, तो एक दो तीन, फिर से एक ये ग्रीन है दो इधर से हैं तीन व्हाइट, एक दो तीन, फिर से बीच वाला एक ग्रीन, फिर से दो ये व्हाइट एक इधर से ये ग्रीन वाला भी, यानी कि तीन व्हाइट, एक दो तीन, अब दो ग्रीन है एक इधर से लेंगे, तीन हम ग्रीन करेंगे, एक दो तीन, लास्ट के दो फंदे हैं इनको व्हाइट कलर से बनाना। ये हमने यहाँ पर अपनी सातवीं सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गए हैं डिजाइन की आठवीं सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। इसको हमने किस तरह से बनाना है ध्यान दीजिए। दो पहले जो ये व्हाइट वाले हैं इनको हमने व्हाइट कलर से ही बनाना, एक और दो, दो व्हाइट ये तीन ग्रीन है तो इनमें से दो ग्रीन बनाने हैं हमने, तो एक दो, दो व्हाइट दो ग्रीन, अब चार ये व्हाइट, एक दो तीन चार, बीच वाला जो ये ग्रीन है इसको हमने ग्रीन ही रखना है, एक ग्रीन चार यहां पर व्हाइट, तो एक दो तीन चार, दो हमारे ये हैं ग्रीन तो इन्हें हमने ग्रीन ही बनाना है। अब बीच में हमारे आएंगे ये चार व्हाइट, तो एक दो तीन और एक ही चार, चार व्हाइट दो ग्रीन, एक दो, फिर से चार व्हाइट, एक दो तीन और चार, चार व्हाइट दो ग्रीन, अब ये बीच में है तीन व्हाइट, जो ये गैप वाले ही इस पे आप ध्यान दीजिए, यहां पर आएंगे तीन व्हाइट, तो एक दो तीन, तीन ग्रीन, अब ये आएंगे व्हाइट, अब आएंगे दो ग्रीन, तो एक दो, दो ग्रीन, फिर से यहां पर आएंगे ये चार व्हाइट, एक ये ग्रीन वाला और तीन ये व्हाइट है, दो तीन चार, चार व्हाइट, जो बीच वाला ये दोनों तरफ की पत्तियों के बीच में ये ग्रीन है ये आएगा हमारा ग्रीन ही।
तो ये एक ग्रीन, फिर से आएंगे यहाँ पर हमारे चार वाइट, तो एक दो तीन और एक ये ग्रीन वाला, ये वाला। अब फिर से आएंगे दो ये ग्रीन है तो ग्रीन, एक दो, फिर से हमारे गैप वाले फंदे हैं तीन, ये तीनों फंदे आएंगे वाइट कलर से, तो एक दो तीन, तीन फंदे ये वाइट कलर से। अब फिर से हमारे दो आएंगे ये ग्रीन कलर से, एक दो, दो ग्रीन से। अब ये चार फंदे आएंगे वाइट कलर से, एक ग्रीन और तीन ये वाइट पहले से ऑलरेडी है, चार वाइट कलर से। बीच वाला ये फंदा है ग्रीन वाला, इसको हमने ग्रीन कलर से ही लेना है। अब फिर से हमारे ये चार फंदे आएंगे वाइट कलर से, तो एक दो तीन चार, दो फंदे ये ग्रीन कलर से, एक दो, लास्ट का फंदा वाइट कलर से। ये हमने अपनी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया है। लाइन की नौवीं सिलाई और सीधी सिलाई, नौवीं सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पर एक वाइट एक ग्रीन, यानी कि दो फंदे हम बनाएंगे यहाँ पर ये ग्रीन कलर से, एक और ये दो, दो हम बनाएंगे ग्रीन कलर से। अब आगे चार फंदे यहां तक हम बनाएंगे वाइट कलर से, तो एक दो तीन चार, चार वाइट कलर से, दो ग्रीन से चार वाइट से। अब हमने ये यहां पर तीसरा कलर को अटैच किया है, तीसरे कलर को हमने इसमें अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, आगे चार फंदे हम यहां पर रेड कलर से बनाएंगे, ये तीसरा कलर रेड कलर लगाया, चार फंदे हम ये रेड कलर से बनाएंगे, तीन चार रेड कलर से सीधे बनाएंगे। अब आगे हमें चार फंदे ये रेड कलर के बनाने के बाद तीन फंदे हम फिर से दो ये एक ये ग्रीन, तीन फंदे हम बनाएंगे यहां पर वाइट कलर से, तो एक दो और तीन, तीन वाइट कलर से, एक ये एक ये, दो ये हम बनाएंगे आगे ग्रीन कलर से, तो एक दो, दो ग्रीन से। बीच वाला, बीच सेंटर वाला एक फंदा जो ये गैप वाले फंदे थे इन, इसको हमने बनाना है वाइट कलर से, तो एक वाइट कलर से। फिर से दो फंदे हम बनाएंगे यहां पर आगे ग्रीन कलर से, एक दो, दो ग्रीन से। फिर से यहां पर जैसे चार रेड कलर से, सॉरी चार वाइट कलर से, एक ग्रीन का बनाने के बाद ये दो ग्रीन के बनाए, दो ग्रीन के बनाने के बाद आगे हम बनाएंगे चार वाइट कलर से, तो एक दो तीन चार, चार वाइट कलर से। फिर से हम यहां पर ये चार बनाएंगे बीच वाले जैसे ये बनाए थे, इनको बनाना है हमने यहां पर चार रेड कलर से, चार फिर से रेड कलर से, एक दो तीन चार, चार फिर से हमने रेड कलर से बनाए। आगे तीन फंदे, दो वाइट एक ग्रीन, इन तीन फंदों को हम बनाएंगे वाइट कलर से, तो एक दो तीन, अब दो एक ये और एक ये वाला, दो ग्रीन कलर से, तो एक दो, दो ग्रीन कलर से, एक ये गैप वाले फंदे बीच सेंटर वाला ये
व्हाइट कलर से, इस तरह से। अब दो, एक ये एक ये, एक व्हाइट बनाने के बाद दो फिर से हम बनाएंगे ग्रीन कलर से। तो एक और दो, दो ग्रीन कलर से। अब यहां पर ये एक ग्रीन और तीन व्हाइट, यानी कि चार व्हाइट कलर से। एक दो तीन चार, चार व्हाइट कलर के, फिर से ये चार रेड कलर से। एक दो तीन चार, चार रेड कलर से। फिर से हम चार रेड कलर के बनाने के बाद ये तीन फंदे हम बनाएंगे व्हाइट कलर से। तो एक दो और एक ये तीन, तीन व्हाइट कलर से, दो ये यहां पर ग्रीन कलर से। तो एक दो, लास्ट का फंदा ये व्हाइट कलर से। तो ये हमने यहां पर अपनी नौवीं सिलाई को बनाते हुए सीधी साइड से कंप्लीट किया। अब आ गए डिजाइन की दसवीं सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। इस सिलाई को किस तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिए। एक फंदा तो ये व्हाइट का है, अब ये फंदा आएगा एक ग्रीन का। अब आगे तीन फंदे व्हाइट कलर से, एक दो तीन, तीन व्हाइट। आगे अब चार फंदे ये हैं, एक इधर का एक इधर का। यहां पर छह फंदे बनाएंगे हम रेड कलर से। तो एक दो तीन चार पांच छः, छः फंदे रेड कलर से, तीन व्हाइट हैं, एक ये। अब यहां पर चार फंदे आएंगे व्हाइट कलर से। तो एक दो तीन चार, अब एक ये आएगा ग्रीन कलर से, एक ग्रीन कलर से, फिर एक व्हाइट कलर से, फिर एक ग्रीन कलर से। फिर से आएंगे यहां पर तीन फंदे ये व्हाइट कलर से। तो एक दो तीन, अब छह फंदे रेड कलर से। तो एक दो तीन चार पांच छः, छः फंदे ये रेड कलर से। अब फिर से चार फंदे आएंगे व्हाइट कलर से। तो एक दो तीन चार, चार फंदे व्हाइट कलर से। एक फंदा फिर से आएगा ग्रीन कलर से, एक फंदा फिर से व्हाइट कलर से, फिर से एक फंदा ग्रीन कलर से, फिर से तीन फंदे यहां पर आएंगे व्हाइट कलर से। एक दो और तीन, ये तीन, फिर से आएंगे आगे छह फंदे रेड कलर से। तो एक दो तीन चार पांच छः, छः फंदे रेड कलर से। फिर से आएंगे चार फंदे व्हाइट कलर से। तो एक दो तीन चार, लास्ट का फंदा आएगा ग्रीन कलर से। तो ये हमने अपनी दसवीं सिलाई को उल्टी साइड से बना के कंप्लीट कर लिया। दस सिलाइयों में डिजाइन इस तरह से बनता हुआ आया। अब हमारी डिजाइन की ग्यारहवीं सिलाई है और यहाँ पर सीधी सिलाई है। ग्यारहवीं सिलाई को किस तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिए। एक पहले फंदे को तो हम ऐसे ही ग्रीन कलर से बनाएंगे, उतारिए या बनाइए वो आपके ऊपर, आपकी मर्जी है। अब यहां पर चार व्हाइट है तो तीन व्हाइट,
से देखिए, एक दो तीन, एक ग्रीन तीन वाइट, एक ग्रीन तीन वाइट। इसके बनाने के बाद अब एक यहाँ पर बनाएंगे हम रेड, एक रेड, इस रेड को एक आगे वाइट, एक वाइट। अब आगे क्या करना है हमने, फिर से देखिए, एक ग्रीन तीन वाइट, एक रेड एक वाइट। अब यहां पर हमने छह रेड बनानी है, तो एक दो तीन चार पांच और एक ही छह हमने रेड कलर बनाया। अब छह रेड कलर बनाने के बाद दो ये हम लेंगे व्हाइट कलर, दो बनाएंगे व्हाइट कलर, फिर से ये एक ग्रीन बनाएंगे, दो व्हाइट के बाद एक ग्रीन एक व्हाइट, फिर से एक ग्रीन, फिर से आगे चार फंदे व्हाइट है तो तीन फंदे इसमें से व्हाइट बनाएंगे, तो एक दो तीन, तीन व्हाइट, फिर से एक ये बनाएंगे यहां पर रेड कलर, तीन व्हाइट के बाद एक रेड, फिर से एक यहां पर व्हाइट, एक रेड एक व्हाइट। अब यहां पर हमने छह फंदे रेड कलर से बनाने हैं, तो एक दो तीन चार पांच और एक ये व्हाइट वाला छह, छह फंदे हमने रेड कलर से बनाने के बाद अब दो फिर से आगे ये हम लेंगे इसको व्हाइट कलर से, तो एक दो, दो व्हाइट कलर से। अब एक ये लेंगे हम ग्रीन कलर से, एक ग्रीन एक व्हाइट, एक ग्रीन, फिर से यहां पर हम देखिए, एक ग्रीन एक व्हाइट एक ग्रीन। अब तीन यहां पर लेंगे हम व्हाइट कलर से, तो एक दो तीन, एक यहां पर लेंगे हम रेड कलर से, एक रेड से लेंगे, फिर एक ये व्हाइट कलर से, एक व्हाइट कलर से। अब यहां आगे हमने छह फंदे हमने लेने हैं रेड कलर से, तो एक दो तीन चार पांच छः, छः रेड के, अब दो व्हाइट के, एक दो, एक ये ग्रीन का है तो ग्रीन, एक ग्रीन, फिर लास्ट में एक व्हाइट। तो ये हमने अपनी ग्यारहवीं सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गए हैं डिजाइन की बारहवीं सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ, इस सिलाई को किस तरह से बनाएंगे। अब की बार हमारे रेड और व्हाइट दो कलर ही ऐसे ही चलेंगे, ग्रीन वाला कलर नहीं चलेगा। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर पहले चार बनाएंगे हम व्हाइट कलर से, तो एक दो तीन चार, चार पहले हमने यहां पर देखिए व्हाइट कलर से। अब हमें आगे छह बनानी है रेड कलर से, तो एक दो तीन चार पांच छः, एक ये हमने बनाना है व्हाइट कलर से, तो एक व्हाइट, फिर आगे एक ये रेड, फिर यहां पर बीच में आठ व्हाइट के आएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात
आठ, आठ वाइट के, अब छह रेड के, तो एक दो तीन चार पाँच छ, छह रेड के एक वाइट का, एक वाइट एक रेड, आगे आठ फिर से वाइट कलर से, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आगे छह रेड कलर से, तो एक दो तीन चार पाँच छ, छह रेड कलर से, फिर एक वाइट कलर से, एक ये यहाँ पर रेड कलर से, फिर से ये लास्ट के बचे हैं हमारे, लास्ट के बचे हैं चार फंदे, इनको हम वाइट कलर से ही बनाएंगे, तीन और एक ये चार, ये हमारी यहाँ पर बारहवीं सिलाई को हमने बना के उल्टी साइड से कंप्लीट कर लिया है। बारह सिलाइयों में डिजाइन इस तरह से आया है, डिजाइन की तेरहवीं सिलाई है और सीधी सिलाई है। तेरहवीं सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए, सीधी साइड से ध्यान दीजिए किस तरह से बनाई जाएगी। अब की बार यहाँ पर ये चार वाइट के बनाए जाएंगे, पहले ये चार वाइट है तो वाइट ही बनाए जाएंगे, तो एक दो तीन चार, चार वाइट दो रेड, एक दो, एक फिर से वाइट, अब यहां पर पांच रेड, तो एक दो तीन चार और पांच, पांच रेड, अब यहां से यहां कर तक बीच में जो ये हैं ये हमारे आएंगे यहां पर आठ फंदे वाइट कलर से, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ हमारे ये वाइट आए हैं दो रेड कलर से, एक दो, दो रेड से एक फिर से वाइट कलर से, दो रेड एक वाइट, अब यहां पर पांच रेड, पांच फिर से आएंगी रेड, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच रेड, अब आठ आगे फिर से जैसे यहां पर बनाए थे वाइट कलर से, तो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, अब यहां पर दो फिर से रेड कलर से, एक दो, एक ये वाइट कलर से, अब फिर से ये पांच रेड हैं तो रेड कलर से, तो एक दो तीन चार पांच, लास्ट के चार फंदे वाइट कलर से, ये हमारी डिजाइन की तेरहवीं सिलाई है और सीधी सिलाई है। तेरहवीं सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए हमने कंप्लीट कर लिया। डिजाइन की चौदहवीं सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ, चौदहवीं सिलाई को किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए, चौदहवीं सिलाई ध्यान दीजिए, यहां पर शुरू में आएंगे पांच फंदे, चार तो ये है एक ही, पांच फंदे व्हाइट के उल्टे बनाएंगे, तो एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे व्हाइट कलर के, चार फंदे भी ये रेड हैं तो इनको रेड ही बनाएंगे,
एक दो तीन चार, चार रेड एक ये वाइट, अब दो ये रेड हैं तो रेड, एक दो। अब यहाँ पर हमने नौ फंदे वाइट बनाने हैं, तो ध्यान दीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ फंदे वाइट, अब ये चार रेड हैं तो चार रेड, एक दो तीन चार, एक वाइट दो ये रेड हैं तो रेड, नौ फंदे फिर से वाइट, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, नौ वाइट चार ये रेड हैं तो रेड, तो एक दो तीन चार, चार रेड। अब फिर से हमने एक वाइट, दो ये रेड हैं तो रेड, एक दो, अब बचे हैं चार फंदे, जैसे यहाँ पर वाइट थे तो इनको भी हम वाइट ही बनाएंगे, तो एक दो तीन चार, चौदहवीं सिलाई है उल्टी साइड कंप्लीट है, तो चौदह सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, इनकी यहाँ पर पंद्रहवीं सिलाई, यानी कि चौदह सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, पंद्रहवीं सिलाई है और सीधी सिलाई। पंद्रहवीं सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम सबसे पहले पांच फंदे व्हाइट कलर से बनाएंगे, तो एक दो तीन चार पाँच, पांच व्हाइट से दो फंदे अब हम बनाएंगे रेड कलर से, तो एक दो, दो रेड कलर से एक व्हाइट कलर से, अब तीन ये हैं रेड तो तीन हम बनाएंगे रेड कलर से, एक दो तीन, बीच में ये गैप वाले फंदे आएंगे, अब हमारे आएंगे दस फंदे ये व्हाइट कलर से, तो ध्यान दीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस फंदे ये हमारे वाइट कलर से आए हैं, अब दो फंदे ये बनाएंगे हम यहाँ पर रेड कलर से, एक दो, एक फंदा ये यहाँ पर आएगा वाइट कलर से, अब तीन फंदे ये रेड हैं तो तीन फंदे रेड कलर से, एक दो तीन, अब फिर से दस फंदे आएंगे हमारे वाइट कलर से, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये यहाँ पर दस, दस फंदे वाइट कलर से, दो फंदे रेड कलर से, एक दो, दो रेड कलर से, फिर से आगे हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक फंदा हम वाइट कलर से बनाएंगे, एक, अब तीन फंदे ये हैं इन्हें हम रेड कलर से, एक दो तीन, लास्ट के बचे हैं पांच फंदे, जैसे यहाँ पर पांच फंदे वाइट कलर के थे तो यहाँ पर लास्ट में भी पांच फंदे बनाएंगे हम वाइट कलर से, ये हमारी पंद्रहवीं सिलाई है, सीधी सिलाई है, पंद्रह सिलाइयाँ डिज़ाइन की बन चुकी हैं,
सोलहवीं सिलाई है डिजाइन की और उल्टी सिलाई। सोलहवीं सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए। पहले हम यहाँ पर छह फंदे तो वाइट कलर से उल्टे बनाएंगे, तो एक दो तीन चार पाँच और एक ये छह, छह फंदे हमने ये वाइट कलर से उल्टे बनाए। दो फंदे अभी ये रेड है तो इनको हम रेड कलर से ही बनाएंगे, दो रेड कलर से, एक ये वाइट है तो वाइट कलर से ही, एक वाइट, अब फिर से दो रेड, एक दो। अब आगे यहाँ पर हमने 11 फंदे वाइट कलर से बनाए हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 11। अब दो फंदे फिर से रेड कलर से, एक दो, दो रेड से, एक ये वाइट है तो वाइट से, फिर से दो रेड से, एक दो। आगे फिर से 11 फंदे वाइट कलर से, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 11। दो फंदे फिर से रेड कलर से, एक दो, एक फंदा वाइट कलर से, फिर से दो फंदे ये रेड हैं तो रेड कलर से, एक दो। लास्ट के बचे हैं पांच फंदे, जैसे यहाँ पर पांच फंदे थे इनको हमने वाइट कलर से ही बनाना, एक दो तीन चार और पांच। डिज़ाइन की 16 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं, डिज़ाइन की 17वीं सिलाई है और यहाँ पर आ गई है सीधी सिलाई की तरफ। 17वीं सिलाई को किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहले 17वीं सिलाई में हम यहाँ पर पांच फंदे ही वाइट कलर से बनाएंगे, तो एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे वाइट कलर से, एक फंदा यहाँ पर हम बनाएंगे रेड कलर से, एक फंदा रेड कलर से, फिर से हम तीन फंदे वाइट कलर से, एक दो तीन, एक फंदा फिर से हम रेड कलर से। 11 फंदे आगे ये बीच में हैं तो इनको हम बनाएंगे वाइट कलर से, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 11 फंदे वाइट से, एक फिर से हम यहाँ पर रेड कलर से बनाएंगे, तीन फिर से यहाँ पर हम वाइट कलर से, एक दो तीन, फिर से एक फंदा रेड कलर से। अब फिर से आगे 11 फंदे ये बीच वाले हैं जो इन्हें वाइट कलर से ही बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 11। फिर से यहाँ पर एक फंदा रेड कलर से, एक रेड से आएगा। अब इसके बाद फिर से हम तीन फंदे ये वाइट कलर से बनाएंगे, एक दो तीन, एक फंदा ये रेड कलर से। लास्ट के बचे हैं फिर से ये जो फंदे बचे हैं इनको हमने वाइट कलर से ही बनाना, तो एक दो
चार, पाँच और छः। ये हमने यहाँ पर 17वीं सिलाई को ध्यान से देखी, सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की 18वीं सिलाई, उल्टी सिलाई। 18वीं सिलाई को हम पूरी सिलाई से को वाइट कलर से ही उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये उल्टी सिलाई 18वीं सिलाई बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से डिज़ाइन बनता हुआ आएगा। 18 सिलाई डिज़ाइन की कंप्लीट हो चुकी है। 18 सिलाई में हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनता हुआ आया। 18 सिलाइयों में ये हमारे 3 फ्लावर इस तरह से बनते हुए आए हैं। तो अब की बार 19वीं सिलाई है, 18 सिलाइयों में 3 ये हमारे डिज़ाइन है। अब की बार एक यहाँ बीच में आएगा, एक इधर आएगा, यानी कि बीच में 2 फ्लावर आएगा, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर। 2 सिलाई मैं और आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ध्यान दीजिए, अब की बार हमने क्या करना है, यहाँ स्टार्टिंग में हमने 13 फंदे वाइट कलर से बुनने हैं। 13 फंदे वाइट कलर से बनाएंगे, फंदे वाइट के बना लिए हैं। अब आगे 2 ग्रीन, जैसे यहाँ पर 2 ग्रीन आएंगे, एक बीच में वाइट आएगा, 2 फिर से यहाँ पर ग्रीन आएंगे। तो 2 फंदे यहाँ पर हम ग्रीन बनाएंगे, 1 2। ये बीच सेंट्रल वाला आएगा जो सेंटर में है, इसको हम वाइट बनाएंगे, 1 फिर से 2 फंदे हम बनाएंगे ग्रीन के, 1 2। 2 ग्रीन के फिर बीच में आएंगे हमारे ये 11 11 फंदों का, ये इस तरह से गैप है यहाँ पर। तो 11 फंदे अब फिर से हम बनाएंगे वाइट कलर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 फंदे फिर से हमने यहाँ पर वाइट के बनाए, फिर से यहाँ पर हम बनाएंगे 2 फंदे ये ग्रीन कलर से, तो 1 2। और बीच सेंटर वाला फिर से हम बनाएंगे वाइट कलर से, फिर से 2 ग्रीन के, 1 2। फिर से आगे हम 11 फंदे फिर से हम वाइट कलर से, तो 1 2 बचे हैं लास्ट के, जितने भी फंदे आपके बचे उतने फंदे आप ये वाइट कलर से ही बना लीजिए। ये हमारे यहाँ पर 14 फंदे बचे, 14 फंदे हमने ये वाइट कलर से बना लिए। ये हमारे यहाँ पर रिपीट सिलाई 19वीं सिलाई थी। 19वीं सिलाई में ये हमारा दोबारा से डिज़ाइन बीच में फ्लावर आएंगे। 19 सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, डिज़ाइन की 20वीं सिलाई है और उल्टी सिलाई है। 20वीं सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए। अब की बार हमने 13 फंदे यहाँ पर वाइट कलर से बनाए हैं, क्योंकि ये 2 सिलाई मैं आपको बना के दिखा देती हूँ 19वीं और 20वीं, ताकि आपको कंफ्यूज न हो कि किस तरह से हमारा ऊपर डिज़ाइन बनता हुआ जाएगा। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। 13 फंदे हमने ये ध्यान दीजिए वाइट कलर से बनाए हैं। अब 3 फंदे, एक ये वाइट वाला ये वाला और 2 ग्रीन वाले हैं ये वाले, 1 2 3। 3 ग्रीन के फिर से एक वाइट है, तो ये वाइट का 3। अब आगे फिर से ग्रीन कलर के, तो 1 2 3। 12 फंदे आगे यहाँ पर हम बनाएंगे ये वाइट कलर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
12 फंदे वाइट के, फिर से हम सॉरी 9 फंदे हम यहाँ पर बनाएंगे वाइट कलर से। अब यहाँ पर 3 फंदे ये ग्रीन कलर से, 1 2 3, 3 ग्रीन के, 1 फंदा वाइट कलर से, 3 फिर से यहाँ पर ग्रीन कलर से, 1 2 3, बाकी बचे हैं जो फंदे ये इनको हमने वाइट कलर से बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है और ये 12 है, 12 फंदे वाइट के। तो ये हमारी 20वीं सिलाई बन के कम्प्लीट है। तो ध्यान से देखिए, ये अब हमें जैसे यहाँ से बनाना शुरू किया था हमने 2 सिलाई के बाद तीसरी सिलाई से, इसी तरह से हम बनाते हुए इन 2 फ्लावरों को भी कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ डिज़ाइन का फाइनल लुक किस तरह से बनता हुआ आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन का फाइनल लुक पूरा बनने के बाद इस तरह से बनता हुआ आएगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। अगर आपने मेरा डिज़ाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ।